ओम शांति। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, बधाई। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत से त्यौहार हम वर्ष भर मनाते आते हैं, और कोई भी त्यौहार या उत्सव मनाते हैं प्रारंभ में श्री गणेश जी की ही पूजा अर्चना वंदना की जाती है। इसका भी परमात्मा ने बहुत ही सुंदरतम तरीके से आध्यात्मिक रहस्य सुनाया है। गणेश जी को कहा ही जाता है विघ्न विनाशक, अर्थात हम सभी की भी स्थिति विघ्न विनाशक गणेश जी जैसी होनी चाहिए। कोई कहे विघ्न आए ही नहीं और मैं बहुत शांत रहूं, हर्षित मुख रहूं, ऐसा तो होगा नहीं। कलयुग के समय में विघ्न आएंगे, लेकिन अगर हमारी आत्मा रूपी बैटरी मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा चार्ज होती है, तो हम विघ्नों का सामना कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत आते हैं कि माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणेश जी का निर्माण किया और श्री गणेश जी को कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी आए तो भीतर आने मत देना। और गणेश जी रक्षक की भांति खड़े हो गए, और उसी समय कुछ देर बाद शंकर जी आते हैं, ऐसा दृष्टांत आता है। तो गणेश जी शंकर जी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शंकर जी भीतर जाना चाहते हैं और पार्वती का पुत्र गणेश उन्हें भीतर जाने नहीं देता। और ऐसा युद्ध होता है कि गणेश जी का सिर कट जाता है। और जब पार्वती माँ स्नान करके आती है तो कहती है शंकर जी से कि तुम कैसे पिता हो कि अपने ही पुत्र का वध कर दिया। तब शंकर जी को बहुत खराब लगता है, और शंकर जी अपने सभी कर्मचारियों को कहें, है ना, या उनकी सेना को कहें, कहते हैं कि कोई सिर ला कर के दो और उसे गणेश जी को, है ना, फिक्स कर देते हैं। और जब सब निकलते हैं उनके सिपाही, तो सबसे पहले हाथी दिखता है, जो भी प्रथम दिखे, तो हाथी का सिर काट दिया जाता है और उस हाथी के सिर को गणेश जी को लगा दिया जाता है। और बहुत सुंदर स्वरूप बन जाता है श्री गणेश जी का। तो उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है? बचपन में इन सब बातों को लेकर सोच चलती थी कि अगर गणेश जी का ही सिर कटा हुआ वहीं पर था तो वही क्यों नहीं लगा दिया गया, वो भी तो सेट कर सकते थे। लेकिन हाथी का ही सिर, है ना, जो प्रथम दिखाई दिया उसका सिर लगाया गया। इधर हाथी की भी मृत्यु हो गई क्योंकि सिर कटा। तो कुछ ऐसे हम उदाहरण सुनते हैं, और बचपन में भी सुनते थे तो हमें लगता था कि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं।
तो वास्तव में एक सिर कटा दूसरा सिर लगा, इसके पीछे तात्पर्य यही है कि जब तक हमें अहंकार है और अपने पिता के साथ ही युद्ध हम करने लग जाते हैं, माना यहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव की बात है कि कई बार लोग उस परम शक्ति परमात्मा को ही नहीं समझ पाते हैं। तो पार्वती यानी पर्वत के समान अचल रहने वाली, और हम सब पार्वतियों का जो पति है वो है परमपिता परमात्मा शिव, और वो परमपिता परमात्मा शिव हमें विघ्न विनाशक गणेश के रूप में तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए वो हमें कहते हैं कि सर्वप्रथम अहंकार का सिर काट दो, और जब अहंकार का सिर कट जाता है तब हाथी का सिर। अब हम इसकी पूरी गहराई में जाते हैं कि जो हाथी का सिर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सर्वप्रथम हम मस्तक की बात करते हैं तो हाथी का मस्तक बहुत बड़ा बताया जाता है। तो मस्तक यानी विशालता का प्रतीक है, और इसी मस्तक में वो चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान है। तो हमारे भीतर भी विशालता दिव्यता होनी चाहिए, और ये बड़ा मस्तक विशाल बुद्धि का भी प्रतीक है। तो विशाल बुद्धि के आधार पर हम कोई भी बात में अपने जीवन का सही निर्णय ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ साथ फिर बड़े कान बताए जाते हैं। तो वास्तव में हमारी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जो भी बहुत अच्छे से किसी की बातों को सुनता है, अच्छी बातों को, या जिसको भी आगे बढ़ना है, जैसे संगठन में भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत महत्व है, कार्यकर्ताओं का भी बहुत महत्व है, लेकिन जब हम संगठन में हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं और परमात्मा के घर में परमात्मा की सेवा अर्थ आते हैं, तो हमारे बड़े हमें क्या कह रहे हैं, परमात्मा विशेष हमें क्या सुना रहा है, तो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहा जाता है कि जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा स्पीकर भी बन सकता है। तो लिसनर से तात्पर्य केवल यह नहीं है कि मुझे मंच पर आने के लिए मेरी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी हो और तभी मैं अच्छी स्पीकर बन पाऊँ, ये बात नहीं है। छोटे छोटे कार्यों को किस तरीके से करना है, तो बड़ों को रिगार्ड देते हुए उन बातों को सुनना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़े कान, हम अच्छी बातों को बहुत अच्छे से सुन के उसको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ें। तो बड़े कान उसका प्रतीक है, क्योंकि हमें भी ऐसे विघ्न विनाशक गणेश की तरह बनना है। फिर जो हाथी की आँखें हैं वो बहुत छोटी छोटी बताई जाती हैं, लेकिन उसको दूर की भी चीज़ दिखाई दे देती है, यानी जो चींटी है वो भी दिखाई दे देती हैं। और कहते हैं अगर चींटी हाथी के कान में भी घुस जाए तो वो छोटी सी चींटी उसका बहुत नुकसान कर देती है। तो वैसे ही हम भी कई बार, हमको लगता है कि बड़ी बड़ी समस्याओं को तो हम पार कर लेते हैं और छोटी समस्याओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वही छोटी सी बात हमारे लिए विघ्न बन जाती है। तो कोई भी बात को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम दूरांदेशी बने, दूरदृष्टि हमारी रहे, और जब हमारी दूरदृष्टि रहेगी तब भी हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ लंबी सूंड और बड़ी फ्लेक्सिबल सूंड बताई जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है, हमारे अंदर भी मोल्ड होने की पावर हो।
जो जितना मोल्ड हो सकता है वही रियल गोल्ड भी बन सकता है। कई बार हम संगठन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एक या दो के साथ रहना और जिससे फ्रीक्वेंसी मैच कर गई उसके साथ रहना, या चलो दो हैं आराम से रहेंगे बढ़िया, किसी के साथ कोई किचकिच नहीं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन संगठन में बड़ों का भी सहन करना पड़ता, छोटों को भी देखना पड़ता, बराबर वालों को भी देखना पड़ता, और उसके लिए एडजस्ट करने की पावर चाहिए रहती है, मोल्ड होने की पावर चाहिए रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है। तो हाथी की सूंड बहुत कोमल होती है। कोमल यहाँ पर एक सरलता की बात आती है। परमात्मा हमें परमात्मा महावाक्यों में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जिसके अंदर जितनी सरलता होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो संगठन में बहुत अच्छे से रह पाएगा। और जो बहुत टाइट होते हैं, कड़े होते हैं, हर कार्य को करने की जिनके अंदर एक क्षमता नहीं होती, तो वो संगठन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्रिएटिविटी भी चाहिए, मोल्ड होने की पावर भी चाहिए, और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज में हमें ये सिखाया गया है कि छोटे से लेकर बड़े कार्य को करने की भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर इस इंडस्ट्री में हमने सोचा कि मैं तो केवल बॉस बन करके रहूँगी और मैं दूसरों को ऑर्डर दूँगी और कार्य कराऊँगी, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं कभी भी। जब तक इस शरीर में आत्मा है और शरीर में शक्ति है, तब तक हमारे अंदर हर छोटे छोटे कार्य को बहुत सुंदरतम ढंग से करने की, और फिर छोटे कार्य जो अच्छे से कर पाता है वही बड़े कार्य कर पाता है। क्योंकि हमारी दादियों को भी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने तो सब कुछ सिखाया ही है मुरली के माध्यम से, और दादियाँ भी हमारी छोटे छोटे कार्य करके ही आगे बढ़ी। तो यहाँ पर बॉस परंपरा नहीं है, वहाँ पर एक एजुकेशन होती है और उनको वो सीट प्राप्त होती है, और उस आधार पर उनके अंडर में कई लोग रहते हैं और वो चलाते हैं। लेकिन आजकल देख रहे हैं किस प्रकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहा है, उसका कारण यही होता है कि अगर बॉस के अंदर एक अहंकार है, या हम चाहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है तो इसीलिए मैं एकदम हाई लेवल पर रहूँगी और मैं छोटे कार्यों को नहीं करूँगी, वो व्यक्ति कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना समझ करके कार्य को करना, तो ये विघ्न विनाशक गणेश जी की सूंड की विशेषता है। ऐसा नहीं कोई हमको सूंड लगी हुई है, कोई हमारे बड़े बड़े कान हैं, या ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का होना जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है, और संगठन में ये गुण बहुत मायने रखता है। साथ साथ रस्सी बताई जाती है, जैसे देख एक हाथ में रस्सी भी बताई जाती है और कुल्हाड़ी भी बताई जाती है। तो रस्सी, जब आप देखेंगे कि पर्वतारोही ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वो रस्सी का आधार जरूर लेते हैं, और मोटी रस्सी, और वो किसी एक बिंदु पर उसको टिका देते हैं और उसके बाद वो चढ़ना शुरू करते हैं। तो जीवन में अगर आपको ऊंचाई पर पहुंचना है तो संघर्ष तो जीवन में आते हैं। यहाँ पर एक सामने बहुत अच्छा थॉट लिखा हुआ है कि जिसके जीवन के संघर्ष जितने बड़े होते हैं वो उतना ही ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस। तो परमात्मा ने हमें एक प्यार की रस्सी दी है, दृढ़ संकल्प की रस्सी दी है, और उस हिम्मत की भी रस्सी दी है कि हम कर सकते हैं। हमारे मुख से कभी भी ये नहीं निकलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती ये वाला काम, ये वाली सेवा मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आज शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने क्या नहीं करवाया। आजकल तो बहनों को वो सब नहीं करना पड़ता है, लेकिन पहले
बाबा ने हमारी दादियाँ जो आज इतनी ऊंचाई पर पहुँची तो उनको मोची भी बनाया कि किस प्रकार जूते चप्पल की भी सिलाई करनी है। उस समय पेपर में बहुत आया था कि सबसे पहले बस चलाई ब्रह्मा कुमारी में रहने वाली हमारी दादी जी ने, और उसमें निर्मल शांता दादी जी का नाम आता है। तो बस भी चलाएं, बर्तन भी मांजे, कितने बड़े बड़े घर की थी है। लेकिन उन्होंने सब कार्य किए तो किसी को भी ऊंचाई ऐसे नहीं मिल जाती। कोई कहे मुझे सम्मान दे 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 तो सम्मान देने से नहीं मिलता है। केवल हम दे किसी को दे तो हम मांग रहे हैं ना कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो वो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, मुझे सम्मान योग्य कार्य करना पड़ेगा तभी सम्मान प्राप्त होता है। तो हमको देना है सबको सम्मान, लेकिन सामने वाले को भी सम्मान हम दिल से देते हैं या दिमाग से देते हैं, ये भी थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आती है। जिनको हम हार्ट से देते हैं वो अगर हमें पावर से कुछ बोल भी देते हैं कनेक्शन फिर अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जिनको केवल एक दिमाग से पाने की चाहना रहती है उनको देना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर हम ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, दृढ़ता चाहिए और परमात्मा के प्यार भरी रस्सी का भी प्रयोग करना होगा। और जब ईश्वर अपने साथ है तो उस ऊंचाई पर पहुंचना बड़ा सरल हो जाता है। साथ साथ कुल्हाड़ी भी बताई जाती है एक हाथ में। तो कुल्हाड़ी जो है वो प्रतीक है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे भीतर आ गए हैं, तो उसको ज्ञान और योग की कुल्हाड़ी के माध्यम से हम नष्ट करें, ख़त्म करें। तो ये कुल्हाड़ी उस बात का प्रतीक है। साथ साथ और भी है ना, बड़ा पेड़ बताया जाता है। तो ऐसा तो नहीं ना कि खूब लड्डू खाते थे, खूब गणेश जी खाते ही रहते थे इसलिए बड़ा पेट बताया जाता है। वास्तव में बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। कई बार हम सब के जीवन में कुछ ऐसे द्वंद्व चलते हैं, हमको लगता है किसको बताएं, किससे शेयर करें, समा नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत दर्द में चले जाते हैं। हम सभी मतलब एक की बात नहीं हो रही है, संगठन में ये बातें होती रहती हैं। लेकिन बाबा परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे जिसके अंदर जितनी समाने की शक्ति होती है, जिस प्रकार हम घर में अपनी बहन की या अपने भाई की कोई भी बात को बाहर बताना नहीं चाहेंगे अगर कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हों तो, हमारे पेरेंट्स के बीच में भी अगर कुछ ऐसे द्वंद्व हों तो हमको लगेगा कि हमारे माता पिता की बात में दूसरे को क्यों बताऊं। तो जहाँ अपनापन होता है वहाँ समाना सहज होता है, और जिससे हमारी मन की दूरी होती है वहाँ पर हम समा नहीं पाते हैं। किसी न किसी को शेयर करेंगे तब हमको थोड़ा अच्छा लगता है, हमको लगता है हमारे अंदर का स्ट्रेस हम निकालें क्योंकि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो विघ्न विनाशक गणेश जब हम इस रूप में तैयार होते हैं तो हमारे अंदर समाने की भी शक्ति आती है। साथ साथ चूहे पर सवारी बताई जाती है। मूषक जो है ना, चूहा है ना, उस पर भी कंट्रोल कर लेना है ना। चूहा मतलब एक नेगेटिव एनर्जी को भी कंट्रोल में रखना। तो गणेश जी उसके ऊपर बैठ गए है ना, और कंट्रोल कर लिया उस पर, वो काटते हैं है ना, अच्छे अच्छे कपड़े काट देगा। तो विकारों पर सवारी करने का प्रतीक है, इसीलिए गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक वाहन बताया जाता है कि हम विकारों को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल माना विजय प्राप्त कर लें, तब हम राज्य अधिकारी बनते हैं, यानी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में तैयार होते हैं। फिर लड्डू है ना, कल गुरुवार था, आप लोग को सबको यहाँ पर टिकरा पारा में लड्डू खिलाया, फिर अगले गुरुवार को आपको मोदक खिलाएंगे,
ठीक है ना, बलौदा वालों को भी खिलाएंगे सबको। तो वो लड्डू जो है वो खुशी का प्रतीक है। जब भी हम किसी बात में अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं तो सामने वाला कहता है कि लड्डू कब खिला रहे हो, पार्टी कब कर रहे हो, है ना। तो पहले लड्डू कहा जाता था, तो बूंदी के लड्डू खिलाए जाते थे, बूंदी में बहुत सारे बूंदी के दाने, फिर उसका लड्डू बनता था। माना हम सब मिल करके उस बात की खुशियाँ मनाएं जो सफलता हमने हासिल की है। तो यही श्री गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य है। तो अभी तो आज से गणेश जी विराजित हो गए हैं और पूरे 10 दिन तक विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना चलेगी। और स्वस्तिक भी है ना, श्री गणेश जी का ही प्रतीक है। वास्तव में परमात्मा हमें 4 युगों का ज्ञान देते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन जब हम विघ्न विनाशक गणेश के रूप में तैयार हो जाते हैं और इस संगम की बेला को, पुरुषोत्तम संगम युग को समझ जाते हैं और आनंदित होते हैं परमात्मा मिलन में, तब हमारे लिए वो दिन दूर नहीं जहाँ पर हम सब मिल करके जब विघ्न विनाशक गणेश के रूप में तैयार हो जाएंगे तो नई सृष्टि की स्थापना हम जरूर करेंगे। तो पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल वंदना अर्चना पूजा न करें, वो तो करें, परंतु साथ साथ उस तरह बनने का भी प्रयास करें, तभी हमारी पूजा अर्चना और वंदना सार्थक होती है। किसी अन्य को तकलीफ दे करके हमने पूजा अर्चना की भी तो उस पूजा अर्चना का क्या फ़ायदा, केवल हम नेमी नाथ बन गए, नियम पूर्वक हमने कुछ निभाया, लेकिन परमात्मा ने सभी बातों का आध्यात्मिक रहस्य हमें सुना दिया है। तो लगभग जो गणेश जी के हाथों में जो भी अलंकार बताए गए हैं उसका भी रहस्य आपने जाना, और साथ साथ कभी कभी कमल पुष्प के ऊपर भी बताते हैं कि हमारा जीवन भी कमल पुष्प के समान हो जाए, कि ये कलयुग में रहते भी कलयुग के कीचड़ का दाग न लगे। ओम शांति।